और जैसे जो पवित्र पुस्तक आप मानते हैं अपने हिंदू ग्रंथों के अनुसार वो गीता होती है, कहा जाता है कि जो वेद व्यास जी थे उन्होंने गीता यहीं पे बैठ करके लिखी थी, यहीं पे आदि बद्री में बैठ करके उन्होंने ध्यान करके जो है गीता को लिखी हुई थी। जो भगवान जी के काली मंदिर पीछे, यहाँ पे शिव मंदिर, यहाँ पे हनुमान मंदिर, यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, गणेश मंदिर, तो सभी को निर्मित किया गया था। ये भी है तो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ ये जगह, यहाँ पे जो है नदी भी बह रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग लग रही है। भगवान विष्णु जी हाँ यहाँ पर भी साहब स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में तपस्या अच्छा और अच्छा बद्रीनाथ में बैठे हैं। जय हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। और बहुत दिनों बाद, जैसे कि मैं हूँ कर्णप्रयाग में अपने पापा के ट्रीटमेंट के लिए, अभी तक एक दो दिन और रुकना पड़ेगा। फिलहाल व्यू आप देख सकते हैं और टाइगर देखे कई दिनों से यहाँ पर खड़ी है, कहीं जा भी नहीं पाया मैं बिल्कुल, क्योंकि काम पड़ रहा था। तो अभी तो पापा ठीक है, चल फिर रहे हैं काफ़ी इधर उधर, खाना वाना खा रहे हैं सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना जो है थोड़ी राइडिंग की जाए। कर्णप्रयाग है ना, उसका छोटा सा मार्केट ही आपको देखने को मिलेगा, इतना बड़ा मार्केट है नहीं। पूजनीय भूमि कर्णप्रयाग को माना गया है, बहुत पुराणों के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत मान्यता है इस जगह की। फ्लड आने के बाद 90s कुछ में कि 18 कुछ में यहाँ फ्लड आया था, उसके बाद से यहाँ मतलब जो कंस्ट्रक्शन है ज़्यादा वो कम हो गया। पहले यहाँ साधु संत काफ़ी रहा करते थे कहा जाता है। और कर्णप्रयाग से निकलते ही ना जैम, कर्णप्रयाग से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ मैं जाने वाला हूँ, जो ये रास्ते होते हैं ना पहाड़ों में, पहाड़ों की जो गोद में बने होते हैं, बहुत ही ट्रैवल करने में ना बहुत ही सुकून मिलता है। बस जगह ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे रोड ब्लॉक होगी, पत्थर गिरे होंगे, पहाड़ गिरा होगा, तो ऐसी दिक्कतें आम बात है पहाड़ों में। काफ़ी दिनों बाद मैं मतलब हॉस्पिटल से निकला हूँ ना, लगभग 5 दिनों बाद, तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है क्योंकि हॉस्पिटलों में पेशेंट हैं भाई, उनको मतलब हो जाता है उनके सराउंडिंग्स में रह रहे के ना ऐसा फील होता है कि यार तुम भी बीमार हो बोल के। तो निकलना बहुत ज़रूरी था ऐसे, तो मैं निकला हूँ राइड पे। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ की महिलाएं किस तरीके से घास भी ले आती है, ये देखिए बकरियाँ भी साथ साथ चल रही है समझदार बकरी। और जो आप बगल में ये नदी देख रहे हैं ना, ये वाली पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आती है, पिंडर नदी इसका नाम है। और कर्णप्रयाग के जाके अलकनंदा और पिंडर नदी एक संगम बनाती है। और वैसे कर्णप्रयाग जो है 5 प्रयागों में से एक प्रयाग, थर्ड प्रयाग है बद्रीनाथ से लेकर के, वहाँ से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और एक कर्णप्रयाग थर्ड नंबर का है। तो देखिए मतलब कितनी मतलब गंदी है ये वाली नदी, मैली हो रखी है क्योंकि चट्टान गिरते, मिट्टी गिरते, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर में जो पिघलता है, ग्लेशियर में भी मिट्टी भी जमी हुई होती है, तो ऐसे कुछ कलर हो जाता है पानी का ना कुछ ऐसा। और बहुत सारे मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब फैमिली है, बहुत सारे लोग जो है गोविंद धाम में पहुँच करके मुझे कॉल करते हैं कि कहाँ हो आप। तो मैं गोविंद धाम में हमेशा तो नहीं रह पाता हूँ, तो यहाँ पापा के ट्रीटमेंट के लिए कर्णप्रयाग आया था। और जल्दी मैं जो है सबसे पहले जाऊँगा गोविंद धाम, 2-3 दिनों के अंदर मेरे को रिलीफ हो जाएगा पापा को यहाँ से, फिर एक दिन गांव रुकूँगा, फिर गोविंद धाम 1-2 दिन रुकूँगा, फिर लास्ट में एंड तक 10 अक्टूबर तक मैं होऊँगा श्री हेमकुंड साहिब क्लोजिंग के टाइम पर, क्योंकि मैंने आज तक देखी नहीं है कि जो कपाट बंद होते हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब को जो है श्री हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट गुरुद्वारे के पास ले जाया जाता है।
तो वो चीज़ मैंने देखा नहीं है कि कैसे क्लोजिंग होती है। तो ज़रूर मैं सबसे पहले उधर ही जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप कांटेक्ट करते हो, कॉल करते हो, बोलते हैं कि जरूर जरूर वहाँ जाके लास्ट दिन लाइव आना। मैं 100% लाइव भी आऊँगा और व्लॉग भी एक प्रिपेयर करूँगा उस दिन का। क्लोजिंग के टाइम पर बहुत कम लोग आ पाते हैं, तो मैं देखता हूँ उस टाइम का व्लॉग बनाऊँगा। यार जब मैं कर्णप्रयाग से इस साइड आया ना, मुझे लगा कि यार छोटी सी पतली संकरी सड़क होगी, पतली पतली रोड होगी, पहाड़ होंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि यार मैं प्लेन्स में आ गया। और बहुत अच्छा लग रहा है, चौड़ी रोड, ठीक ठाक रोड है। यहाँ भी गांव शहर बसे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से अल्मोड़ा जो कुमाऊँ एरिया होता है वहाँ के लिए भी रास्ता यहीं से पड़ता है। नई जगह जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानने को, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी ये चीज़ें काम ज़रूर आती हैं। तो ये शिमली था, शिमली में हम पहुँच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। काफ़ी प्यारा छोटा सा टाउन है, विलेज टाउन कुछ भी आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। देखें यहाँ से लोग कर्णप्रयाग जाते हैं, कर्णप्रयाग सबसे नियरेस्ट सिटी यहाँ से पड़ता है शिमली के लिए। तो अब मैं बता देता हूँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जैसे आपने सुना होगा पंचप्रयाग, पंच केदार, जिसमें से एक केदार मैं जा चुका हूँ, तुंगनाथ जा चुका हूँ। और इसके बाद जो मेरा हेमकुंड साहिब के बाद जो ट्रिप बनेगा वो सबसे पहले रुद्रनाथ बनेगा, ठीक है। तो पंच केदार में दो केदार मैं कवर करूँगा। ऐसे ही यहाँ पे पंच बद्री भी है, पंच बद्री जिसमें से मैं आज एक बद्री जा रहा हूँ, जिसका नाम है आदि बद्री। एक बात है दोस्तों, यहाँ व्यू की बात करें ना, मतलब बहुत घने जंगल हैं। जंगल देखे होंगे मैंने पहाड़ में, मतलब पेड़ बहुत देखे हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ लैंडस्लाइड के ज़्यादा निशान पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद यार अलग ही रास्ता, बिल्कुल क्लीन, बहुत अच्छा नज़ारा। जंगल है वो बहुत ही घने, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जो ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है ना, उससे तो और भी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से नैनीताल 225 किलोमीटर, गैरसैंण 37 किलोमीटर, तो यहाँ से भी कुमाऊँ का रास्ता है। तो नैनीताल जाएंगे, जब जाना होगा, जब बुलावा होगा उस जगह का, तो डेफिनेटली जाएंगे। फिलहाल ये अभी उत्तराखंड में आप जो गढ़वाल रीजन है वहाँ के आप अभी आनंद लीजिए प्रकृति के, फिर डेफिनेटली आपको कुमाऊँ में भी जब चांस मिलेगा मेरे को जाने का, तो डेफिनेटली वहाँ की खूबसूरती भी आपको दर्शाएंगे। और मैं बता दूँ उत्तराखंड में दो जो है रीज़न पड़ते हैं जहाँ पे कुमाऊँ भी आता है और गढ़वाल, तो दो रीज़न है, वो अलग नहीं है भाई। ये समझ लीजिए कि जो कुमाऊँ रीज़न है ना, थोड़ा प्लेन इलाके में आ जाता है, समतल इलाका आ जाता है, और जो गढ़वाल रीज़न है तो थोड़ा पहाड़ी इलाकों में आ जाता है। की जो खूबसूरती है ना पहाड़ों की, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, हर जगह देखने वालों के लिए ना, हर जगह खूबसूरती छुपी हुई है पहाड़ों में। ऐसे नहीं है कि एक ही जगह है, या हम इसलिए बोलते हैं कि सफ़र से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं। तो जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो आप सिर्फ डेस्टिने, जो आपकी मंजिल है ना, उस पर ज़्यादा निर्भर ना रहें कि वही खूबसूरत होगा। आप अगर देखेंगे, नज़रें दौड़ाएंगे इधर उधर, तो आपको भाई तब ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। ऐसे देखें ना, पहाड़ पहाड़ पहाड़, कितने सारे पहाड़, छोटे मोटे पहाड़, और जो नज़ारे और घर ऐसी जगह बसे हुए हैं ना, मतलब कोई आम इंसान सोच नहीं सकता। वो उस टाइम की परिस्थिति अलग रही होगी 100-200 साल पहले, कि जहाँ भाई थोड़ी खेती बाड़ी हो सके। और उस टाइम तो रोड भी नहीं थी, तो किसी को क्या मालूम होना था कि यार रोड भी आएगी किसी ज़माने में, तो घर दूर होगा कि पास होगा। तो उन्होंने अपने तरीके से खेती रही होगी, पानी की व्यवस्था अच्छे से रही होगी, और घास की व्यवस्था अच्छे से रही होगी। तो बस उन्होंने उस तरीके से ऐसी जगह पे, ऐसे ऐसे जहाँ कुछ चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, बिल्कुल पैदल ही जाया जा सकता है। और पैदल रास्ता भी मुझे नहीं लग रहा उतना सुगम होगा, उतना अच्छा होगा। बड़ी
सो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं आदि बद्री, और यहां पे विष्णु भगवान जी का जो मंदिर है उसके आपको भी दर्शन कराएंगे, खुद भी करेंगे। लेकिन यहां जो सौम्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा ना, चारों तरफ पहाड़ और नदी भी है तो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ ये जगह, यहाँ पे जो है नदी भी बह रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग लग रही है। तो मंदिर के बाहर पे यहाँ पे एंट्री है, तो यहाँ पे पहले जूते वगैरह निकाल देते हैं। मंदिर के अंदर कहीं भी जाओ तो जूते निकालना तो अनिवार्य है, पवित्र जगह है। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले महादेव जी का यहाँ पे सबसे पहले टेंपल आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है शिव मंदिर है, अनेकों मंदिर है अलग अलग भगवान जी के, काली मंदिर पीछे, यहाँ पे शिव मंदिर, यहाँ पे हनुमान मंदिर, यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर, गणेश मंदिर, तो सभी को निर्मित किया गया था। ये जो पांच पांडव जो भाई थे यहाँ से जाते हुए हिमालय की तरफ, तो यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ वो रुके हुए हैं, जहाँ जहाँ पे पवित्र जगह थी तो वहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन जारी रखा था। और जो शिलाएँ हैं ना, ये पत्थर आप देखिए, मतलब कितना मतलब अच्छा लग रहा, कितने मजबूती थे। अब मैं मान सकता हूँ कि क्या उनकी स्ट्रेंथ रही होगी उस टाइम के ज़माने के लोगों के, महाभारत के ज़माने के लोगों के, इतने बड़े पत्थरों से इतना अच्छा मतलब कारीगरी करके उन्होंने ये बनाया है खूबसूरत मंदिर। यहाँ देखें, और जैसे जो पवित्र पुस्तक आप मानते हैं अपने हिंदू ग्रंथों के अनुसार, वो गीता होती है। कहा जाता है कि जो वेद व्यास जी थे उन्होंने गीता यहीं पे बैठ करके लिखी थी, यहीं पे आदि बद्री में बैठ करके उन्होंने ध्यान करके जो है गीता को लिखी हुई थी, जो गीता पुस्तक आप देखते हैं हिंदू ग्रंथ में। विष्णु जी हैं, उनके जो ये मंदिर है ना उसके अंदर 3 फीट की जो है मूर्ति भी है, और यहाँ मोस्टली जो थपलियाल परिवार है उनके द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है विष्णु भगवान जी के आदि बद्री में। और ये जो परंपरा है, जो थपलियाल जो परिवार है, जो ब्राह्मणों के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये बहुत समय से, बहुत पहले से ही यहाँ जो है पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, थपलियाल परिवार से ही होंगे आप, तो उनसे भी जान लेते हैं कि मतलब क्या क्या यहाँ का क्या इतिहास है। तो पंडित जी बताइए। ये ऐसा है बाबू जी, ये महोदय 5 बद्री कहलाए गए सर जी, तो 5 बद्री में सर प्रथम बद्री कहलाए गए बाबू जी आदि बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री बाबू जी बद्रीनाथ जी, तो बद्रीनाथ में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं, आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी, यहाँ पर भी साहब स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में तपस्या, अच्छा, और बद्रीनाथ में बैठे में जय हो जी, बद्रीनाथ में जो है पद्मासन बैठे हुए हैं ना वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। नियम वही है यहाँ भी, जैसे बोलते हैं बद्रीनाथ जी वाला अभिषेक पूजा ये डेली सुबह 5 बजे होती है, अच्छा, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती, अच्छा। साल में सर जी यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद, बद्रीनाथ जी में होते हैं 6 महीना, अच्छा। आदि बद्री में 1 महीना, पौष मास बोलते हैं ना, 16 दिसंबर को बंद होना, डेट फिक्स है, और 14 जनवरी का होता मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होना, अच्छा, ऐसे अच्छा। करके 14 मंदिर का समूह है यहाँ, जैसे बोलते बद्रीश पंचायत, हाँ, पहले 16 थे तो वो दो खंडित हो गए काफी टाइम पहले, अच्छा। अभी 14 मंदिर मौजूद हैं, जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बहन गरुड़ जी हैं, ये अन्नपूर्णा माता है, लक्ष्मी नारायण है, सत्यनारायण है, क्षेत्रपाल देवता है, इन्हें ऐसे करके 14 मंदिरों का समूह है सर यहाँ पे, अच्छा। लेकिन फर्स्ट बद्री के लगे बाबू जी आदि बद्री, भगवान विष्णु जी आदि बद्री में, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में, यहाँ पर वो जी खड़े रूप में तपस्या, क्योंकि यहाँ पे नेत्र बंद है भगवान के, अच्छा। और बद्रीनाथ साहब बैठे में पद्मासन, जी जय बद्री शंकराचार्य जी को यहाँ पे मतलब ऐसा ऐसा ऐसे बताते हैं बाबू जी, जब बद्रियों की स्थापना हुई बोलना, तो शुरू यहाँ से आदि बद्री, आदि का मतलब पहला, और लास्ट है बाबू जी भविष्य बद्री, भविष्य जहाँ प्रतिमा तैयार हो रही है स्वयं। तो बहुत अच्छा लगा आपने जानकारी दी, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मंदिर। तो यहाँ पे 14 जो मंदिर है छोटे मोटे, लक्ष्मी नारायण,
सत्यनारायण की मंदिर, यहाँ पे जो है लक्ष्मी नारायण जी की है मूर्तियाँ। मैं दिखा नहीं सकता वीडियोस के थ्रू, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे लोग तो बिल्कुल एक उनको मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, तो ऐसा अच्छा नहीं है कि बहुत लोग ना माने या माने, जो भी है सबकी अपनी अपनी आस्था है, तो इसलिए जो है मूर्ति को दिखाया नहीं जाता। तो लेकिन आप देख सकते हैं मतलब कितने साल हो चुके हैं, 8वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था, और कुछ मतलब जो दो मंदिर है छोटे छोटे वो खंडित हो चुके थे बहुत टाइम पहले, तो उसके बाद से कुछ ऐसा है यहाँ पे देखिए, बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत। तो यहाँ से देखिए पिछले इलाके से भी आप पीछे की तरफ से देख सकते हैं, तो मंदिर की जो खूबसूरती है ना इसी में है, जो पुराने आर्किटेक्ट सोच सकते हैं उस टाइम भी जो हमारे जो रहे होंगे पुराने ज़माने के लोग, आप पांच पांडव कहिए कोई भी कहिए, तो उनके द्वारा जो ये मनाई गई है शिलाओं द्वारा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस टाइम का जो आर्किटेक्ट था कितना एडवांस था उस टाइम भी। ऐसा नहीं कह सकते कि अभी जो है साइंटिस्ट है, तो भगवान भी है और अपने साइंस अपनी जगह है, सब अपनी जगह है, सबकी श्रद्धा अपनी जगह है, सब चीज़ें अनिवार्य है इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं शिलाओं द्वारा, ये कुछ शायद खंडित वगैरह थी तो ये मंदिर रहे होंगे, तो जो जो खंडित जो रखे हुए हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें वो रखी हुई है, बाकी बहुत ही प्यारा। यहाँ पे आओगे आप तो भाई इतना सुकून इतना शांति मिलेगा, क्योंकि आदि बद्री है, सबसे पहले विष्णु भगवान ने यहाँ पे एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करी थी। और ये देखिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ के अलावा, तो ये देखिए कितना प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं, मौसम तो खूबसूरत है, कितना अच्छी जगह पर बसा हुआ है प्यारा सा मंदिर आदि बद्री का। तो जो है बद्री विशाल जी कहिए विष्णु भगवान जी कहिए, उनके दर्शन करके बहुत ही सुकून और आनंद की प्राप्ति हो रही है। और यहाँ पे जो मंदिर है उसको विदा लेते हैं और कर्णप्रयाग चलते हैं। और मैं बता दूँ कर्णप्रयाग से जो सिटी है वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, तो आते हुए यहाँ से जो है कुमाऊँ का रास्ता भी पड़ता है, तो आप जब भी आएँ थोड़ा टाइम निकाल के और यहाँ से भी होके जाए, ज़्यादा दूरी पर है नहीं, लगभग 2-2.5 घंटे में आना जाना हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग से, और यहाँ पे दर्शन करके आपको अलग ही एक अनुभूति ज़रूर होगी। ये देखें अब विदा लेते हैं इस जगह से, आई होप सो नेक्स्ट टाइम में जो है अगला जो बद्री है, जैसे आदि बद्री था पंच बद्री में से एक बद्री मैं कवर कर चुका हूँ, बद्रीनाथ की भी ज़रूर जाऊँगा, वहाँ तपोभूमि में जाना मेरा सौभाग्य होगा, और मैं इतने पास रखे वहाँ जा नहीं पाया, दुख है अब, लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा है तो मैं वहाँ भी ज़रूर जाने की कोशिश पूरी रहेगी। पंच बद्री भी करना है और पंच केदार भी करना है, और बाकी जो पंच प्रयाग जो नदियों का समूह उसको तो मैंने कई बार गया हूँ, विज़िट किया है, तो वो काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमारे धर्मों के अनुसार। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, विदा लेते हैं इतनी खूबसूरत जगह से एक बार फिर से।